पीछे हम पगले से चल पड़े। मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा ना था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा। कंग्रेचुलेशन तुम तीनों को, तुम्हारी ड्यूटी तुम्हें वापस मिली है। पर हाँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ मेरे बिहेवियर के लिए। देखो, जो हो गया वो मैं वापस तो नहीं ला सकता, बट हाँ, तुम्हारी जो ड्यूटी तुम्हें मिली है ना, उससे तुम ऐसे ही अच्छे तरीके से करते रहो, ठीक है? यस सर। वाह, मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है। मतलब मुझे मेरी ड्यूटी सैडी की ऑफिसर की, वाओ जिमिन, वाओ मैं क्या करूँ। पार्टी करेंगे, चलो ना जिमिन। शट अप, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, आज मुझे मेरी जॉब वापस मिल चुकी है। ओ जिमिन, मैं भी तो तुम्हें मिल चुका हूँ ना, चलो ना कहीं पार्टी करने के लिए चलते हैं। नो मिस्टर मिनियोंगी, मुझे तुम्हारे साथ कहीं घूमना नहीं है, बल्कि हनीमून। और नहीं तो क्या, हमारी शादी हो चुकी है और तुम मुझे हनीमून भी नहीं लेके जाओगे क्या? हाँ, क्या कह रही हो जिमिन? चलो घर चले, जल्दी बोलो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पेरिस जाएं घूमने के लिए। वाह जिमिन, बट हाँ प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, वरना कहीं वो लोग वहाँ पर आकर टपक गए तो। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये बात हम दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता चलेंगी। तो चलो तैयारी कर लो, क्योंकि हमें जाना है पेरिस। पर मुझे डर लग रहा है अगर वहाँ पर कोई आकर टपक गया तो। नहीं टपकेगा ना, मैंने आज रात की 8 बजे की फ्लाइट बुक कर ली है, तो जल्दी से जाओ, जल्दी सामान पैक करो, हमें जल्दी निकलना है। ओके, वो सब ठीक है जॉनी, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब जिमिन और ताए और ना ही जॉब होंगे तो हमारा क्या ही मतलब वहाँ जाने का पेरिस में। हम साथ में चलेंगे ना? ओह बुद्धू, हम साथ में चलेंगे तो हमारे रोमांस में वो लोग घुस नहीं जाएंगे क्या? मुझे तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है, अकेले घूमना है, अकेले इंजॉय करना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पेरिस में अकेले जाए। समझो बात को जी। ओके जॉनी, मैं रेडी होता हूँ जल्दी जल्दी। हमारी फ्लाइट कितने बजे की है? हमारी फ्लाइट है 9 बजे की, तो जल्दी से रेडी कर लो। हाँ, सामान मत पैक करना। बट क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ वहीं से लेके दूंगा। सच में? हाँ, आई लव यू जॉनी, आई लव यू जीन। वेट वेट जीन, रुक जाओ, क्या हो गया? वो देखो, तुम्हारा भाई और साथ में ये देखो कौन आ रहा है, कौन है सर? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता, जल्दी चलो यहाँ से, वरना कहीं इन लोगों ने हमें देख लिया ना तो हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। ओ शिट यार, ये कहाँ से टपक पड़े, क्या हो गया? वो देखो शुगा और जिमिन, अब हमारे पीछे लग गए तो वो लोग क्या करे? और डॉक्टर की Thank you.
देखोगे तो आने वाला तो 5 मिनट में आधा घंटा लगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कब कब वो मेरे पास है और कब कब हम रोमांस करें। मैं तब तक घूम कर आता हूँ, थोड़ा बहुत होटल कितना प्यारा लग रहा है। ओह शिट, अरे भाई आप यहाँ पर क्या करें? जंगुक तुम यहाँ पर क्या करें? अरे भाई मैं यहाँ पर डॉक्टर किम के साथ हनीमून मनाने के लिए आया हूँ, और आप? मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए आया हूँ, तुम्हें पता है? ओह वाह भाई, वैसे आपने बताया नहीं आप ये भी काम करते हो। शट अप भाई, वो ना, पर आप यहाँ, पूरी दुनिया में आपको यही होटल मिला था और यही शहर मिला था आपको यहाँ पर हनीमून के लिए। ये सेम क्वेश्चन में भी तुमसे पूछ सकता था जंगको भाई। इससे पहले हमारे वाले देख ले, हमें अब अपने रूम में घुसना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना कि दोनों बात करने में लग जाए और हमारा हनीमून पोस्टपोन। ओके भाई, आप यहाँ पर क्या करें? मुझे पता था ये कमीना जब तक ना आए हमारा दिन ही कहाँ स्टार्ट होता है। अबे कमीने, तुझे पूरी दुनिया में ये शहर मिला था क्या यहाँ पर अपना हनीमून मनाने के लिए? और तुझे इतने बड़े शहर में ये होटल मिला था कि यहाँ पर आने के लिए? भाई लोग अब शांत हो जाओ ना, आप क्यों भड़क रहे हो? ये क्वेश्चन में आप लोगों से भी पूछ सकता था। अच्छा तो सुनो, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हनीमून के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं है। फैमिली के लिए तो तुम लोग ना अपना मुंह मत दिखाना समझे, वरना ऐसा ना हो जाए कि तीनों के तीनों मिल जाए और फिर हम लोग का हनीमून, समझे बात? यस भैया मैं समझ रहा हूँ, मतलब इसका मतलब कि हम यहाँ होकर भी ना है ना? हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। देखो इन तीनों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये लोग यहीं पर है समझे, और प्लीज अपना मुंह मत दिखाना। डोंट वरी भाई, इसका मतलब ये कि हम जब तक अपना रोमांस नहीं कर लेते तब तक मुंह नहीं दिखाएंगे। अब शांति से अपने रूम में घुस जाओ, और हाँ तब तक अपना मुंह मत दिखाना जब तक तुम्हारा मुंह पूरा काला ना हो जाए। ओके भाई, मिशन कंप्लीट करना है हमें, जाओ आप अपने रूम में घुस जाओ, मैं भी जाता हूँ। जी मीन, कब आओगे तुम? कब से गए हो, पता नहीं आने का तो नाम नहीं ले रहे हो। डॉक्टर किम कहाँ गए तुम? कब से गए हो, आ ही नहीं रहे हो, पता नहीं कहाँ घुस गए तुम। जीन मुझे तो समझ नहीं रहा कि कहाँ गायब हो गए तुम, मुझे कब, मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ हनीमून के लिए और तुम गायब हो गए। एक्सक्यूज मी, मुझे ये पेस्ट्री चाहिए थी। सॉरी सर, बट ये तो किसी और ने ऑर्डर किए। किसने? वो उन्होंने किए, आप उनसे मांग लीजिए। ओके एक्सक्यूज मी, यस मुझे ये वाली पेस्ट्री चाहिए। नो सर, एक्चुअली ये पेस्ट्री के लिए दो लोग पीछे लगे, अब पता नहीं उन दोनों में से कौन लेते हैं। आपको चाहिए तो आप भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। ऐसी बात है, ये शुगा को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ट्राई करके ही देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, यस ये पेस्ट्री मुझे चाहिए, प्लीज़ इसे पैक कर दीजिए। आई एम सॉरी सर, बट इस पेस्ट्री के लिए काफ़ी लोग पीछे लगे, आप भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। ओह नो, जंगकुक को कितना पसंद था ये, और आज मैं उसको ये देखकर उसे हैप्पी करना चाहता था, बट कोई बात नहीं, मैं ट्राई करके देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, यस प्लीज़ क्या ये पेस्ट्री आप मुझे दोगे? बिकॉज ये पेस्ट्री मेरे जॉनी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं चाहता था क्या प्लीज़। ओके कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मी ये पेस्ट्री मुझे चाहिए। नो वेट वेट, मुझे चाहिए पेस्ट्री। जिमी और टाय तुम दोनों? जिन भाई आप यहाँ पर? वाह सरप्राइज, प्लीज हग, ओह माय गॉड, यहाँ पर वैसे मैं यहाँ पर तो इनके साथ आया था, मतलब जॉनी के साथ। वाह ग्रेट, मैं भी जेके के साथ आया था। और आप कहाँ, किसके साथ आए थे? ऑफ कोर्स शुगा के साथ, बट ये पेस्ट्री मुझे चाहिए थी। वेट, इसका एक हल मैं निकालूं तुम तीनों के लिए? यस, इस पेस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, सिंपल। वाह हमने तो सोचा ही नहीं था। और जो भी तुम्हारे डेट्स है वो हैप्पी भी हो जाएंगे और आप भी। थैंक यू सो मच आपका, नाइस टू मीट यू, तुम तीनों सच में क्यूट हो। वो तो मुझे भी पता है। हाँ थैंक यू, ओके थैंक यू सो मच आपका इसके लिए, कोई बात नहीं। आई होप कि आप तीनों से फिर से मुलाकात हो। जी हाँ, ओके बाय, थैंक यू सो मच इसके लिए, और नाइस टू मीट यू, आप लोगों से मिलकर सच में खुशी है। चाय को क्या हो गया? नाइस टू मीट यू, तो थैंक यू सो मच इसके लिए, और आई होप कि हम तीनों आपस में फिर ना मिले जब तक हम शॉल वापस ना जाए। हाँ ओके बाय। जॉनी को बिल्कुल नहीं पसंद, और इसलिए मैं भी अब इन सब से दूर ही रहूँगा, अब तो यही करना पड़ेगा। अब जब तक हम शॉल वापस ना जाए ना, आई डोंट नो कि कौन टाय और कौन जिन।
वही तो, मैं तो यही चाहता था कि ये लोग यहाँ पर आए ना, पर आकर भी टपक गए। अब तुम्हें ना ही इस रूम को छोड़ूंगा और ना ही इस होटल को। और हाँ, जहाँ तक बात है इन दोनों के चेहरे की, आई डोंट नो कि ये चेहरा मैंने कभी देखा भी है। जी, वो एक्चुअली आ गए तुम, ये मैंने तुम्हारे लिए पेस्ट्री लाए, प्लीज टेस्ट करो। जी एक्चुअली मैं कहना चाहता था, क्या तुम्हें तुम्हारे टाय और जिमिन की याद आ रही है? नहीं तो वो तो कहीं और अपना हनीमून कर रहे होंगे ना, हम क्यों खराब करें उनके लिए। हाँ, इसका मतलब तुम्हें वो नहीं दिखे, यहाँ पर कैसे दिखेंगे? ओ वाह, अच्छी बात है। हाँ तो जी, सच में तुम्हें उनकी याद नहीं आ रही है? और ना ही तुम्हें कहीं दिखे वो? नहीं दिखे, मुझे क्यों दिखेंगे? क्यों, हमें शावर लेना था साथ में। ओहो, मैं तो भूल गया, चलो। बट जिमी, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हें उनकी याद आ रही है? नहीं आ रही, कहा ना। ओके जिमी, क्यों मतलब भड़क रही हो? आ जाओ ना प्लीज, कम कम, आई विल रोमांस फॉर यू। मतलब है कि रोमांस करना चाहता तुम्हारे साथ।